Please give a big round of applause to Prasoon Joshi. तालियों की गड़गड़ाहट थमनी नहीं चाहिए. प्लीज वेलकम अनुराधा मैम ऑल्सो. थैंक यू अलोका. वेलकम प्रसून जी. हजारों हस्तियों का परिचय देश से और दुनिया से कराया है, लेकिन इतना कन्फ्यूजन बहुत कम होता है. आपका परिचय कैसे कराऊं समझ में नहीं आता. ये कहूं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सबसे मशहूर गीतकार हैं, ये कहूं कि बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा इन डिमांड स्क्रिप्ट डायलॉग और स्क्रीन प्ले राइटर हैं, ये कहूँ कि एक तेज़ी से उभरते हुए म्यूज़िक कंपोज़र हैं, बेहद टैलेंटेड सिंगर हैं, या ये कहूँ कि देश के सबसे चहेते कवि हैं, या फिर ये कि हिंदुस्तान के सबसे क्रिएटिव एड गुरु हैं, इसीलिए आपको एड गुरु ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. कुछ भी कहिए, सारी चीज़ें मिला लीजिए, मिक्सर में चलाइए, एक ही नाम बाहर आएगा और वो है प्रसून जोशी. इनके अंदर एक मासूम सा बच्चा भी है और बेहद गहराई से सोचने वाला एक देशभक्त चिंतक और एक गजब का शायर. फ्रेंड्स, जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जोरदार तालियों से प्रसून जोशी. करीब 20 साल पहले एड वर्ल्ड में कदम रखा था प्रसून जी ने, और कुछ ऐसी ऐसी पंचलाइंस दी इन्होंने आते ही, इतनी कम उम्र में, आज तक हमें वो पंचलाइंस याद हैं. उनमें फन भी होता था और बहुत गहराई भी होती थी. ऐसा लगता था कि आम जीवन से ये लाइंस उठाई हैं. आपको कुछ एक लाइंस याद होंगी, जैसे एक टायर कंपनी के इन्होंने एक पंचलाइन दी थी, टायर मर्द तो कैसा दर्द. या फिर एक बहुत फेमस एड है, सलमान खान को आपने अक्सर उस एड में देखा होगा, दोबारा मत पूछना क्लोरमिंट, वो भी इन्हीं का दिया हुआ है. या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए दिया था आपने VDIS में, 30% टैक्स 100% पीस ऑफ माइंड. या फिर ठंडा मतलब कोका कोला, वो किसे याद नहीं. ये सारे के सारे प्रसून जोशी के दिए हुए हैं. प्रसून जी ने बॉलीवुड में एंट्री मारी एड वर्ल्ड में तहलका मचाने के बाद, और आते ही 2 फिल्मफेयर अवार्ड और 2 नेशनल अवार्ड प्रसून जी जीत चुके हैं. करीब 200 अवार्ड है वैसे इनके नाम, लेकिन ये मोटे मोटे ये अवार्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ. कभी बच्चा बन के कहते हैं अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, किसने वो गाना नहीं सुना है. हम सब अपने बचपन को याद करके उन गानों पे रोए हैं. कभी देश पर आतंकवादी हमला होता है तो इस देशभक्त का खून कुछ यूं खौलता है. इस बार नहीं, इस बार जब वो छोटी सी बच्ची मेरे पास अपनी खरोंच लेकर आएगी, फू फू कर नहीं बहलाऊंगा, पनपने दूंगा उसकी टीस को. इस बार नहीं, इस बार घावों को देखना है गौर से, थोड़ा लंबे वक्त तक कुछ फैसले, और उसके बाद कहीं तो शुरुआत करनी होगी. बहुत बढ़िया प्रसून जी, बहुत ही उम्दा. आज भी हम ये कविताएं याद करते हैं. एक 2 लाइनें और बता देता हूं जल्दी से. करप्शन, क्योंकि एक देश का बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल, और ये भी कहा जा रहा है चुनाव उस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है. करप्शन के खिलाफ प्रसून जी ने कुछ लाइनें लिखी हैं, उसमें आखिर की लाइनें हैं. आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है, टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है, रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, जब तपेगी ईंट तब ही होश में आएंगे तलवे. तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने, भोले थे अब भाला कर दिया किसी ने. बस जल्दी से ये भी बता दूं कि आजकल आप सत्यमेव जयते देख रहे होंगे, उसका जो टाइटल सॉन्ग है सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार तेरा, वो भी प्रसून जी ने लिखा है. इसके अलावा दिल्ली गैंगरेप हो, उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा हो, जब भी देश का कोई मुद्दा सामने आता है प्रसून जी की कलम खुद ब खुद चलने लगती है. प्रसून जी स्वागत है आपका एक बार फिर से. विषय आपने सुनी लिया होगा प्रसून जी, सिनेमा संगीत और कहानी, आप तीनों में मास्टर हैं. एक एड गुरु का तमगा मैं और जोड़ देता हूँ, हर कोई आपको ऐसे देखता है, लेकिन आप खुद को क्या मानते हैं प्रसून जी सबसे ज्यादा? मुझे तो मुझे लगता है कि मेरे पास आइडियाज़ हैं, और मैं जब स्कूल में था, बच्चा था, तो मुझे लगता था मैं कुछ एक अटपटा सा हूँ, अपने कल्पना लोक में खोया रहता हूँ. सो आई नेवर थॉट दैट देर इज़ एनी यूज़ फॉर समवन लाइक मी, द माइंड आई हैड, एंड टिल सच टाइम आई यू नो स्टम्बल्ड अपॉन एडवर्टाइजिंग इज अ वर्ल्ड, एंड आई रियलाइज दैट समबडी इज कैन पे फॉर माई क्रेजी आइडियाज़.
एक्चुअली पीपल आर रेडी टू एम्प्लॉय मी फॉर दैट. एंड उससे पहले मैं कविताएं लिखता रहा बचपन से. मैं 17 साल का था जब मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हो गई और फिर एक और पुस्तक आई. तो उससे एक चीज़ का एहसास हो गया कि अब माँ बाप को मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि बेटा कुछ और भी कर लो वरना इससे चलने वाला नहीं है. तो मुझे खुद ही एहसास हो गया बिकॉज कविताएं खरीद के कोई पढ़ता नहीं है. लोग कविताएं पसंद करते हैं लेकिन उनको क्या लगता है कि म्यूज़िक और कविता ये चीज़ें जो होती हैं शुड बी फ्री लाइक फ्रेश एयर एंड वाटर. वाई शुड बी पे फॉर दैट? सो नोबडी इज़ रेडी टू पे फॉर इट. एक्चुअली पीपल वॉन्ट टू इन्जॉय दम बट डोंट वॉन्ट टू पे फॉर दैट. सो ग्रेजुअली आई रियलाइज़ कि मतलब मेरे पास जो विचार हैं ख्याल हैं उनको किसी रूप में अगर मैं शक्ल में ढाल सकता हूँ तो कहीं विज्ञापन का एक मुझे फील्ड दिखाई दिया और उसके बाद फिर फिल्मों से मैं जुड़ गया और विज्ञापन का ही फील्ड मुझे बॉम्बे ले गया और जहाँ पर मैं फिल्मों के संपर्क में आया. बचपन से मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं फिल्मों में काम करूँ. मैं बिल्कुल फिल्मों से दूर रखा गया था. हमारे यहाँ फिल्मी संगीत नहीं अलाउड था. हमारे घर में क्लासिकल म्यूज़िक सुना जाता था, साहित्य पढ़ा जाता था. तो कि भाई फिल्मी दुनिया से जुड़ूंगा ऐसा कोई मेरे मन में एक ड्रीम ऐसा नहीं था. लेकिन जब मैं बम्बई आया तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि फिल्म ऐसी एक जगत है, एक फिल्म एक ऐसा एक विधा है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता हूं. कविता को अगर गीतों की शक्ल में ढाल दिया जाए शायद अगर मैं लिखता कि मैं अंधेरे से डरता हूँ तो शायद वो वैसे नहीं पढ़ते लोग पुस्तक में, लेकिन गीत के माध्यम से फिल्म के माध्यम से वो लोगों तक पहुंच सकता है. तो इसलिए मैं उससे जुड़ गया. तो मूलतः मैं कहूँगा मैं एक तरह का आइडियाज़ पर्सन आई कैन कॉल माई सेल्फ एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई फाउंड अ फ्यू फील्ड्स इन वेयर आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ. प्रसून जी, हम लोग कभी कन्फ्यूज होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं क्या करें क्या ना करें, इधर जाएं उधर जाएं, लेकिन हमने आपको कहीं कहते हुए सुना है आप कन्फ्यूजन पसंद करते हैं, कन्फ्यूजन आपको मदद करती है, ये समझ नहीं आई बात कैसे? नहीं देखिए, मसलन मैं जब एक पिक्चर लिख रहा था पिछले साल, दो साल मैंने एक पिक्चर लिखी भाग मिल्खा भाग. नाउ वो दो साल इसको लिखने में क्यों लगे? क्योंकि एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मुझे उसमें रहा कि ये फिल्म जो है अगर देखा जाए मिल्खा जी की कहानी तो उसमें एक काफ़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद वो कहानी दूरदर्शन पे कही गई है, कई तरह से कई बार शेयर की जा चुकी है, तो उसमें कितना मैं यथार्थ रखूं और कितनी कल्पना का पुट रखूं, ये निर्णय मुझे लेना था कि मैं जब एक हीरो को पोर्ट्रे कर रहा हूं तो फिर उसकी लाइफ में अफेयर्स भी होंगे, उसकी लाइफ में प्यार भी होगा उसे, वो मजाक भी कर सकता है, तो मैं एक हीरो को क्रिएट कर रहा था. तो ये डिसीजन लेना, ये कन्फ्यूजन का जो दौर होता है वो आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मजबूर करता है. आप बहुत जल्दी अगर क्लैरिटी आ जाए आपको कि सोचिए एक बच्चा पैदा हुआ उसको शुरू से बता दिया कि बेटा तुम बड़े होकर लॉयर बनोगे, अब वो सिर्फ कितना बोरिंग आदमी क्रिएट कर रहे हैं. बचपन से उसको लॉ की किताबें पढ़ाए जा रहे हैं, ना वो साहित्य पढ़ता है ना संगीत पढ़ता है ना नाचता है ना, वो सिर्फ कहता है मुझे तो पता है मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे तो लॉयर बनना है, बस वो लगा हुआ है दिन रात. एक बहुत ही यूनिडिमेंशनल कैरेक्टर आप क्रिएट करते हैं और जब आप कन्फ्यूजन की स्टेट से गुजरते हैं तो आप मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं. आप बहुत सी चीज़ें बेवजह एक्सप्लोर करते हैं. आई हैव सो मेनी, आई हैव अराउंड 1000 राइटिंग पैड्स इन माई हाउस विच आर, जिसे कहते हैं खाम खां राइटिंग है, वो किसी वजह से नहीं लिखा गया. इकबाल का एक शेर है कि इकबाल बहुत जिक्र करते थे शाहीन का, शाहीन द फैल्कन बर्ड फैल्कन. सो व्हाट ही यूज्ड टू से इज द कि फैल्कन जो है ये अपने शिकार पे झपटता है शाहीन और उसको पकड़ के ऊपर उड़ जाता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उसको जिंदा छोड़ देता है. क्यों जिंदा छोड़ देता है, ये क्यों किया उसने? ही वॉज इन हंग्री, ही वॉज इन नीड ऑफ फूड, बट वाई डिड ही कैच द प्रे एंड वाई डिड ही लीव इट अलाइव? क्योंकि लपकना झपटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का बस है बहाना. सो द बर्ड इज प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ हंटिंग कि जब उसके सामने एक्चुअली भूख उसे लगे तो तब गलती ना हो उससे. तो आप प्रैक्टिस करते रहते हैं लगातार. जब आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ते हैं या मीडिया के जिसके आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप तैयार नहीं हैं और आपको उस वक्त आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए तो आप ये नहीं कह सकते जरा दो तीन चार दिन का वक्त दो जरा मैं तैयारी करके आता हूँ या मुझे एक दो महीने और दो, मैं आई वॉन्ट टू जस्ट फ्रेश
फ्रेशन अप, आई वॉन्ट टू ब्रश अप माई, यू कांट. उस वक्त आपको सिर्फ परफॉर्म करना होता है, और वो तभी आप कर सकते हैं जब आप खामखां बहुत कुछ करते रहें लाइफ में. इसीलिए कन्फ्यूजन की स्टेट जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको मांझती है, वो आपको तैयार करती है, वो आपको एवर रेडी रखती है. प्रसून जी, समझ में आ रहा है कि कुछ लोग आपको सीरियसली फनी क्यों कहते हैं. सीरियसली फनी, सीरियस भी और फनी भी. आमतौर पर लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे ये क्या है, लेकिन अब समझ में आ रहा है आपको सुन के. आप लोगों को मैं बता दूं एक बार, अब से पहले आपने 20, 25, 30, 40 साल से गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब का नाम सुना होगा. सिर्फ दो शायर थे सबसे बड़े, लेकिन पिछले 10-12 साल में प्रसून जोशी को कहा जाता है उन दोनों का मिक्सचर है. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे ख्याल से प्रसून जी आपके लिए भी हो नहीं सकता है. आप हर मीडियम के लिए, हर एज के लोगों के लिए, हर तबके के लोगों के लिए, हर तरह की राइटिंग प्रसून जी कैसे कर लेते हैं? अगर मैं कर पाता हूं तो उसका श्रेय मैं उन लोगों को देता हूं, उन मित्रों को देता हूं, उन रिलेटिव्स को देता हूं जिन्होंने, जिनकी ज़िंदगी से मैं जुड़ा रहा और जिनसे मैंने सीखा. कोई भी आदमी अगर ये कहे, कोई भी शख्स ये कहे कि मैं हूं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है. आप तो कभी होते नहीं. यू आर द सम टोटल ऑफ पीपल यू हैव इंटरेक्टेड विद. आप थोड़ा सा अपनी माँ होते हैं, आप थोड़ा सा अपना बाप होते हैं, आप थोड़ा सा अपना दोस्त होते हैं, आप थोड़ा सा अपना भाई होते हैं, और उन सबको परिलक्षित करते हैं आप अपने काम में. धीरे धीरे आपके काम में आप वो सब दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं. तो अगर मैं किसी वर्ग विशेष से, किसी एक एज ग्रुप से कनेक्ट कर पाता हूँ, आई वॉज, एंड ऑल्सो आई थिंक देर इज अ कॉन्फिडेंस ऑफ द लैंग्वेज यू यूज. आई वॉज राइटिंग अ सॉन्ग कॉल्ड बस्ती की पाठशाला. उस वक्त रहमान साहब थे, मैं बस्ती की पाठशाला लिख रहा हूँ. रंगदे बसंती अच्छी चल रही थी, अच्छी जा रही थी फिल्म, मस्ती की पाठशाला काफ़ी बाद में लिखा गाना. तो पाठशाला पर काफ़ी विवाद हुआ कि भाई पाठशाला जैसा शब्द कौन समझेगा. अरे पाठशाला गांव में होती है यार, कोई नहीं समझता. अरे पाठशाला कहाँ होती है बताओ भाई, कौन बताने का. नहीं जानते, कोई बात नहीं. लेकिन आपका जो इंटेंट है वो है कि आप मॉडर्न लिख रहे हैं. कई लोगों ने ये किया कि आपने फिजिक्स पढ़ी है. मैंने लाइफ में, अभी आप कन्फ्यूजन की बात कर रहे थे और चीज़ों की बेवजह टाइम बर्बाद करने की बात कर रहे थे. अगर कोई और लिरिसिस्ट उस गाने को लिखता तो शायद उसमें शब्द का यूज़ होता तेजाब. मैंने लिखा है उसमें, नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है. क्योंकि मैं स्कूल गया था इसलिए मैंने H2SO4 लिखा, वरना मैं तेजाब ही लिखता सबकी तरह. सो कहीं कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, और आपके काम में वो रिफ्लेक्ट होने लगती है. योर अंडरस्टैंडिंग विच यू गेट थ्रू पीपल एंड your confidence with what you do. I think these are the important things. I think conviction is very important. आपका conviction अगर नहीं होगा तो दूसरे आदमी को दिखाई देगा कि आप खुद ही, you're not sold out yourself, you're not, you know, convinced yourself. आपके काम में एक तरह का आत्मविश्वास नहीं होगा, और वो आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप उसकी तरफ एक intent से, एक correct intent से पढ़ेंगे. गजब का observation power आपका है, आपके, आप उसके लिए मशहूर भी हैं. और आप सबको ये पता होना चाहिए कि प्रसून जी ऑब्जर्व क्या करते हैं, कहीं स्पेस ऑब्जर्व करके ये सब चीज़ें नहीं लिखते हैं. अपने आसपास जो कुछ हो रहा है जैसे बता रहे थे, उन्हीं को ऑब्जर्व करके और इतनी गजब की लाइनें लिखते हैं. ठंडा मतलब कोका कोला का आइडिया कहाँ से आया था प्रसून जी, वो किस्सा सुनाएंगे, बहुत गजब का किस्सा है वो. एक बार कहीं ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ और एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति सोया हुआ है, बहुत सारे बोरियाँ रखी हुई हैं. उसका जो है, मुझे वो याद आ गया था कि या तन की झाई पड़े श्याम हरित द्विती होए. तो एक मतलब साहित्य व्याहित्य सभी कुछ अपना एक साथ चलता रहता है. तो वो गनी बैग्स हैं, उसकी शेडो पड़ रही है और उसमें एक व्यक्ति सोया हुआ है. मैंने कहा कि अगर इसमें कोका कोला के क्रेट रखे होते और इसके कोका कोला के जो क्रेट्स हैं उसकी जो शेडो है उसमें भी अगर ठंडक हो और उसमें सो रहा है एक आदमी और नीचे ठंडा मतलब कोका कोला लिखो, तो फिर एक तरह का एक इमेज बनता है. सो आई गॉट दिस इमेज एंड केम बैक एंड आई शेयर्ड इट विद द आर्ट डायरेक्टर. This ad went on to win 2 Gold Lions at Cannes Festival in 2003 and became almost a cult in every festival around the world as ki Coca-Cola ne kis tarah ke ads kiye hain dekhiye India mein. To ye idea wahan shuru hua ki is tarah ki cheez zindagi ke observations ko agar aap dhale aur wahin se prerna milti hain, wahin se चीज़ें निकलती हैं. बिल्कुल ठंडा, जैसे ठंडा, आप कोई आपके गेस्ट आते होंगे घर में तो आप कभी ये नहीं पीते, कोक पियेंगे, पेप्सी पियेंगे, आप गर्मियों में ये कहते हैं ठंडा लाएं कुछ, तो ये ठंडा वहाँ से आया है.
और ठंडा मतलब कोकोला। लेकिन एक और चीज़ है प्रसून जी, बहुत सारे बच्चों के पास सवाल हैं आपके लिए, एक चीज़ और है, आप आसपास की जिंदगी से समाज से ऑब्जर्व करके लाइनें निकालते तो हैं, लेकिन आपकी राइटिंग में कभी ऐसी लाइनें नहीं होती हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई। कहने का मतलब यह है कि आपने वो मर्यादा मेंटेन करके रखी है, आपने आज के यूथ की भाषा इस्तेमाल भी की है, आज के समाज से आइडियाज लिए भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी लैंग्वेज में एक मर्यादा है, एक डिग्निटी है। देखिए, जिंदगी से आप अगर जुड़े रहें तो मर्यादा बनी रहती है, अगर आप जिंदगी से कट जाते हैं तो मर्यादा ख़त्म हो जाती है, फिर आप अपने एक सस्पेंडेड वर्ल्ड में रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मनोरंजन के लिए किसी भी व्यक्ति का अपमान किया जाना चाहिए, और वो ज़रूरी है। आइटम नंबर की जहाँ तक आप बात करते हैं, मैंने इसमें लिखा था हवन करेंगे, बहुत हिट गाना है, उसमें कहाँ से वो किस पार्टी में नहीं बजता आज, और किसका अपमान किया गया उसमें। तो ये महिलाओं का अपमान करके जो मजे लिए जा रहे हैं उस पर तो कंकुश लगाना पड़ेगा। आपको पता है ना कि गा भी लेते हैं प्रसून जी, बहुत बढ़िया गाते हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड तो उन्हें बताया। प्रसून जी, इससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, कुछ आप गुनगुनाना चाहेंगे या कुछ दो चार लाइनें अपनी कहना चाहेंगे? क्योंकि नहीं, मैं आपको महिलाओं की बात चली तो मैं बाबुल सुना देता हूँ आपको। ये एक मैंने निर्भया के लिए को डेडिकेट किया था, लिखा था मैंने इसको, मैंने काफ़ी मेरे काफ़ी अच्छे लिखे हुए गीतों में से मैं समझता हूँ। एक लड़की है अपने पिता से कह रही है कि बाबुल जी अमोरा घबराए, आप लोगों ने कुछ ने शायद सुना भी हो, मैंने टीवी पे भी एक बार उसको गाया था। बाबुल जी अमोरा घबराए, बाबुल जी अमोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जी अमोरा घबराए, बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए, बाबुल जी अमोरा घबराए, बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए, बाबुल जी अमोरा घबराए, बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए, बाबुल जी अमोरा घबराए। बिल्कुल इसी तरह आपने सत्यमेव जयते के लिए भी ओरी चिरैया, वो गाना भी बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। ये आमिर खान के साथ क्या केमिस्ट्री है आपकी, हर दूसरे प्रोजेक्ट में आप आमिर के साथ काम करते हैं, लगता है बहुत एक स्ट्रॉन्ग आपका। जी आमिर, ऐसा हम लोग मतलब सोचते नहीं है कि हम क्यों काम करते हैं साथ में, बट दिस इज डेफिनेटली समथिंग विच इज विच स्ट्राइक्स अ कॉर्ड बिटवीन अस। शायद हमको कहीं लगता है कि जो लोगों का प्यार मिलता है उसके साथ साथ शायद कुछ कहा भी जा सकता है, कुछ बात भी की जा सकती है, एक सार्थक बात भी कही जा सकती है, और उसके एंटरटेनमेंट के चलते चलते कुछ बातें भी हो सकती हैं। तो शायद कहीं हम लोग के ख्यालात मिलते हैं, इस वजह से इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग ने साथ में किए। चलिए अब सवाल ले लेते हैं बच्चों के, जल्दी से मैं दो चार फिल्में बता देता हूँ, पता नहीं क्योंकि आप आजकल के बच्चे हैं सारी फिल्में देखते हैं नहीं देखते हैं, जो प्रसून जी जिन फिल्मों के साथ जुड़े रहे हैं इतने कम टाइम में, लिस्ट बहुत लंबी नहीं है फिल्मों की, लेकिन उसकी एक वजह है क्योंकि प्रसून जी बहुत सेलेक्टेड फिल्म्स करते हैं और इनके पास टाइम भी बहुत कम रहता है क्योंकि एड वर्ल्ड में और बाकी चीज़ों में बहुत बिजी रहते हैं। विश्वरूप 2, सत्याग्रह, भाग मिल्खा भाग, तालियां बजाइए प्लीज, इश्क इन पेरिस, तेरी मेरी कहानी, आरक्षण, ब्रेक के बाद सिकंदर, लंदन ड्रीम्स, दिल्ली 6, गजनी,
थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, तारे जमी पर, फना, रंग दे बसंती, ब्लैक, रोक सको तो रोक लो, फिर मिलेंगे हम तुम, आंखें क्यों, लव एट टाइम स्क्वायर, लज्जा जो इनकी पहली फिल्म थी, और भोपाल एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से अब सवाल ले लेते हैं प्रसून जी, क्योंकि बच्चे भी समझ नहीं पा रहे हैं आपसे क्या पूछें क्या ना पूछें, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें एक साथ करते हैं, तो कोशिश करेंगे जरूर जरूर कि जल्दी से ज्यादा सवाल लें। समर्थ का सवाल सबसे पहले ले रहे हैं, समर्थ वाजपेयी। सर मेरा सवाल आपसे ये है, आप एड गुरु भी हैं, पोएट भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं लेकिन फिर भी अलग हैं, तीनों के अंदाज फर्क है सर, इनमें कौन सी ऐसी चीज है जो आप करना ज्यादा पसंद करते हैं और मतलब जिसमें आप खुद को ज्यादा अच्छे तरह से बयां कर पाते हैं इन तीन मतलब इन सब में? देखिए मुझे एक मोमेंट जो है वो पसंद है, कोई भी मोमेंट, किसी भी फिल्म, किसी फिल्म का भी हो सकता है। मुझे याद है मैं एक सीन लिख रहा था, अगर आपको मैं ऐड का एग्जांपल दूँ, हैप्पी डेंट का एक एड मैंने किया था जिसमें दांतों से पूरा पैलेस वैलेस चमक जाता है, वो उसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। वो जब मैं लिख रहा था तो मुझे एक विचित्र रस, जिसे अद्भुत रस का एक एहसास हो रहा था, और मुझे याद है जब मैं वो फिल्म क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहा था कि ये कहानी है एक आदमी की जो अपने काम के लिए लेट हो रहा है, लेकिन वो एक बल्ब है और एक राजा के पैलेस में ही इज़ एम्प्लॉयड एज ए बल्ब एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर बल्ब, समबडी इज़ एम्प्लॉयड इन अ कार, समबडी इज़ एम्प्लॉयड इन अ लैम्प, सो देयर, सो आई एम गोइंग ऑन विद दिस स्टोरी एंड हाउ ही रीचेज देयर एंड फाइनली द शैंडलियर कम्स टू लाइफ। कहता आप सीरियस हैं क्या इस बारे में, आई होप यू आर नॉट सीरियस। ऐसा नहीं है, मैं सीरियस भैया करना चाहता हूँ ऐसा। बोला ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, करके देखते हैं। तो उस वक्त ही मुझे एक बच्चे का जैसा एहसास हो रहा था कि हाँ मैं एक जैसे कहानी बता रहा हूँ, या मैं जब भाग मिल्खा भाग के लिए सोच रहा था कि मैं कैसे भाई और बहन का प्यार दिखाऊँ, तो मैंने एक सीन लिखा कि क्या हो अगर मिल्खा जो हैं वो वापस आते हैं कोट पहन के और बहन को कोट पहना देते हैं और उसमें हाथ डाले और वो बिंदे निकल जाएं। तो उस वक्त भी मुझे वही एक एहसास हो रहा था कि कुछ मैं नया कर रहा हूँ, कुछ सही कर पा रहा हूँ, कुछ कनेक्शन होगा शायद इससे। ये मोमेंट्स में होता है। तो मुझे लगता है कि आई एम बेसिकली स्टोरी टेलर एंड टेलिंग स्टोरी थ्रू माई सॉन्ग्स, या फिल्मों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, या तारे ज़मीं पर ही लीजिए आप, कि मैंने बहुत वक्त तक ये गाना लिखा नहीं माँ, पर एक दिन मुझे लगा कि मैं लिखना चाहता हूँ आज इस गाने को, कुछ थॉट आ रहा है मुझे। और वो थॉट ये था कि जब मैं बच्चा था, मेरी माँ एक बार मुझे छोड़ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में चली गई, तो मुझे लगा कि मुझे क्या एहसास हुआ था वो मैं लिखना चाहता हूँ, कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूँ तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तो ये एक मोमेंट होता है, वो मोमेंट के लिए मैं लिखता हूँ, उस मोमेंट के लिए मैं जिंदा हूँ, और वही आप लोगों तक मुझे किसी तरह से पहुंचाता है, वो किसी प्रोफेशन से भी आ सकता है। प्रसून जी दो चार लाइनें और कहेंगे अगर, अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं मैं माँ, तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचू यही तू आके थामेगी माँ, उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ मैं माँ, चेहरे पे आने देता नहीं दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। आलोक रंजन, आलोक रंजन
आलोक रंजन। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। जी सर, वी वांट टू नो सर, एनी इंस्पिरेशनल फिगर इन योर लाइफ? माय ग्रैंडमदर, वो इसलिए इंस्पिरेशनल हैं, वो जब 19 साल की थी तो उन्होंने अपने पति को खो दिया, बेटी थी एक, और वो अनपढ़ थी उस वक्त। और मुझे याद है जब वो रिटायर हुई तो वो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ना लिखना 12 खड़ी काका गागा सीखा और उसके बाद एक प्रिंसिपल की हैसियत से रिटायर हुई। तो मुझे लगता है गांव की महिला थी, कृषक महिला थी, उनको मैं देखकर मुझे लगता है कि ये जो एक स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ जो आदमी के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और मुझे वो लगता है कि वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है। प्रसून जी, एड वर्ल्ड में तो हमने सुना है कि पीयूष पांडे से आपने काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन बॉलीवुड में आपके इंस्पिरेशंस कौन हैं? देखिए, एड वर्ल्ड में भी बहुत से मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, पीयूष एक इंस्पिरेशन रहे हैं, सुरेश मलिक सबसे पहले व्यक्ति थे जिनसे मैं एडवर्टाइजिंग में सीखना शुरू किया। वो उन्होंने उस वक्त एक ऐड बनाया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, और उस वक्त वो मैं उनको मिला था तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। नील फ्रेंच एक ऐड के मशहूर गुरु हुए हैं, वो उन्होंने मैंने उनसे बहुत सीखा। फिल्मों में देख देख कर बहुत सीखा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं फिल्मों के माहौल से काफ़ी दूर रहा, मैंने ज़्यादा फिल्में भी नहीं देखी थी। और हम लोग उत्तराखंड में रहते थे, छोटे छोटे गाँव शहरों, शहर तो होते नहीं है वहाँ पे, मतलब उस वक्त और भी छोटी पॉपुलेशन होती थी तो इतना एक्सेस नहीं था। जब बॉलीवुड में आया या लोगों का काम देखा तो जावेद साहब का, गुलजार साहब का काम तो है ही, उसके अलावा मैंने आमिर से बहुत, मुझे लगता है बहुत सीखा है। और पुराने बहुत से शायर हुए जैसे साहिर लुधियानवी हैं, कैफी आज़मी हैं, शैलेंद्र जी हैं, इन लोगों से प्रदीप जी हैं, बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया था। वो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि सबके नाम लूँगा तो बहुत वक्त निकल जाएगा, पर ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ आदमी सीख सकता है। तो आई थिंक आई आफ्टर ऑब्जर्वेशन आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज पीपल। वेरी गुड। पल्लवी, पल्लवी माइक। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर, जैसे मीडिया इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, मानक सर ने भी कहा कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और आपने भी कहा कि फिल्मों में काम आपने देख देख के सीखा, तो क्या ये एक इनबॉर्न टैलेंट होता है जो हम कहते हैं बॉर्न विद टैलेंट, तो क्या इसे हम विद टाइम भी सीख सकते हैं, या इसको सीखने का क्या प्रोसेस है, या जो इंसान इससे पैदा होता है विद टैलेंट ओनली ही कैन मेक हिज मार्क इन मीडिया वर्ल्ड? जी, ये अच्छा सवाल है। और देखिए, पता नहीं ईश्वर प्रदत्त क्या होता है और क्या आप, व्हाट आर यू बॉर्न विद, व्हाट इज दिस, बट मुझे ये मालूम है कि माहौल से बहुत फर्क पड़ता है। बचपन का जो आपका घर का माहौल होता है, जिस तरह की चीज़ें आप देखते हैं आसपास, बच्चा उससे बहुत कुछ सीखता है। इनिशियली बच्चा जो है माँ बाप को इम्प्रेस करना चाहता है, तो आप देखेंगे बच्चे जो हैं, अगर माँ बाप मतलब जोक पसंद करते हैं तो वही चीज़ बार बार वही करके दिखाने लगता है, अगर एक तरह से गिरना उनको पसंद है वो उस तरह से गिरने लगता है। तो बच्चा अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखता है। और उसके बाद क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, एक तो माहौल है, माहौल के बाद ऐसे कोई व्यक्ति जो आपको बता सकें कि आप में सचमुच इस तरह की प्रतिभा आ गई है आपके आपके रुझान की वजह से, और उसको नर्चर किया जाना चाहिए। क्या वो इनबॉर्न है, इसके ऊपर सारे वक्त तक विवाद चलते रहते हैं, शायद किसी ने भी ये बात अभी तक क्लियर नहीं की है कि जेनेटिकली कितना ज़रूरी है टैलेंटेड होना वर्सेस माहौल का कितना असर होता है। माहौल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है ऐसा माना गया है, मैं भी यही मानूंगा, और मैं ये उसके बाद मानूंगा, उसके बाद जो डिपेंड करता है वो आपकी हार्डवर्क पे डिपेंड करता है और आपके डेडिकेशन पे। तो सही प्रोफेशन का चुनाव होना, एक बार अगर आपने गलत प्रोफेशन का चुनाव कर लिया है तो छोड़ने में भी आप लोगों को कोई वो नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आता इस काम में, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको जल्दी छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। इसी को मैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कह रहा था आपसे कि एक बार कुछ ट्राई करते हैं तो आप छोड़ देते, खुद छोड़ भी सकते हैं उसे, सबसे मुश्किल होता है कुछ चुन करके उसे छोड़ना और उसके बाद ये लोगों के सामने कि मैं नहीं कर पाया। देखिए, आपको एंड ऑफ द डे किसी और के लिए कुछ नहीं करते हैं, आप अपने लिए करते हैं, आपको अपने साथ जीना है। अगर आप जो करते हैं उसके साथ आप खुश नहीं हैं तो आप अपने साथ कैसे जिएंगे? तो यू बी आंसरेबल टू योर सेल्फ, आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, एम आई इन द राइट प्रोफेशन? और जो आपको ये बात झुटला है कि नहीं नहीं तू कर लेगा, वो ये जबरदस्ती की जो है जिद ठान लेना कि नहीं मैं इसमें करके रहूंगा, अगर वो गलत जगह पे आप हैं तो हो सकता है आपकी एनर्जी गलत जगह वेस्ट हो रही हो।
तो उसको चेंज करने में भी वक्त नहीं लगाना चाहिए, कभी ईगो नहीं लाना चाहिए। और अगर आपने सही चुनाव कर लिया है उसके बाद उसके ऊपर लगे रहना, आपका वक्त ज़रूर आएगा।